सेलुलोज और स्टार्च के कैरी बैग्स आपको मिल जाएंगे, और वो कॉरपोरेशन आपको बताएगी विच आर द बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि ट्रेड में भी ऐसा रहता है कि लोग अपने प्रॉफिट के लिए सब स्टैंडर्ड चीजें ले आते हैं मार्केट में, तो वहां से आपको डायरेक्शन आएंगी दी आर द कंपनीज विच हैज ए बेस्ट स्टैंडर्ड एंड देयर प्रोडक्ट इज अप टू द मार्क। तो वो जो वहां से आपको डायरेक्शन आएंगी उसी को आपने फॉलो करना है। तो अगर हम अपने समाज को ही जगा देंगे या अपनी संस्कृति को जगाने में ज्यादा फोकस करेंगे तो ये सब चीजें अपने आप होते जाएंगी समाज में। नमस्कार सर, सर ये पूछना चाहते हैं छोटे पैमाने के विक्रेता अभी भी प्लास्टिक बैग का यूज कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी है नहीं, सो पेपर बैग की जगह वो किस तरह से वो इस्तेमाल करना शुरू करें। जम्मू कश्मीर में 10 लाख लोग ड्रग से प्रभावित हैं और उनके पेरेंट्स बताते नहीं है क्योंकि वो शर्म महसूस करते हैं, और उसमें 1 लाख लड़कियां हैं। नहर में करना है तो सब आपने पार्टिसिपेट किया, और हमारी तवी रिवर सूर्यपुत्री वो भी साफ होगी और नहर भी साफ होगी। एंड फॉर माय लाइफ, नया दिन होता है लेकिन एक वो दिन भी नया होता है जब आदमी संकल्प कर लेता है। भारत माता की जय। अभियान चलाया है उसी के संदर्भ में आज मायर इंस्टीट्यूट में वरुणानंद जी जो हमारे फिकी फ्लो जम्मू कश्मीर लद्दाख चैप्टर की चेयरपर्सन हैं, उन्होंने यहाँ एक प्रोग्राम आयोजित किया था जिसमें हमारे यहाँ स्टूडेंट्स और इनके मेंबर्स थे, और सब ने ये संकल्प लिया है कि पॉलीथीन को हमको अपने जीवन से निकालना है और प्रयास करना है कि इसका जो अल्टरनेटिव है सेलुलोज और स्टार्च का कैरी बैग उसको इस्तेमाल में लाना है। ये सभी स्टूडेंट्स और फिकी फ्लो के मेंबर्स मायर इंस्टीट्यूट सभी उत्साहित हैं कि ऐसे बदलाव से हमारा जम्मू शहर साफ सुंदर और स्वच्छ बनेगा, और ये सभी लोग उसके लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं।